जैन बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9th केमिस्ट्री हिंदी मीडियम यानी NCERT बुक के चैप्टर 2, और चैप्टर 2 है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, तो इसके अंतर्गत आज हम आपको विलयन के बारे में बताएंगे। विलयन क्या है, विलयन के बारे में आप समझें, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को ही विलयन कहते हैं। पहले हम लोग समांगी, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग समांगी मिश्रण के बारे में पढ़े थे। तो दो या दो से अधिक पदार्थ का समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण का मतलब जिसके प्रत्येक भाग का घनत्व एक समान हो, तो समांगी मिश्रण को ही हम विलयन कहते हैं। विलयन में जो पदार्थ अधिक मात्रा में होता है उसे हम विलायक कहते हैं। विलायक को देखिए, विलायक कहते हैं, और वह पदार्थ जो विलायक में घुलनशील होता है उसे हम विलेय पदार्थ कहते हैं। अब एक बात आप ध्यान में रखे रहिएगा कि जो पदार्थ किसी भी विलयन में जो पदार्थ अधिक मात्रा में रहता है वो विलायक होता है, और जो कम मात्रा में रहता है वह विलेय कहलाता है। अब हम विलयन के कुछ उदाहरण आपको बता दें। जैसे मान लीजिए, अच्छा एक चीज़ और हम आपको बता दें पहले, कि विलायक ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में होता है, और विलेय भी ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में होता है। तो जब विलायक और विलेय दोनों जो है तीनों अवस्था में पाए जाते हैं, तो विलयन जो होता है, क्योंकि विलायक और विलेय पदार्थ के मिलने से ही विलयन का निर्माण होता है, यानी विलयन में विलायक होता है और विलेय होता है। जब ये दोनों पदार्थ एक में मिलाए जाते हैं तो विलयन का निर्माण होता है। तो जब विलायक और विलेय दोनों ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाए जाते हैं, तो ये जो विलयन है यह विलयन भी ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। अब हम विलयन के कुछ स्पेशल उदाहरण आपको देते हैं। जैसे आप देखते हैं कि चीनी को अगर पानी में घोल दिया जाए, तो चीनी को पानी में घोल देते हैं तो घोलने के बाद एक समांगी मिश्रण बन करके तैयार होता है। उसके अंदर, उस विलयन के अंदर चीनी का भी गुण विद्यमान होता है, पानी का भी गुण विद्यमान होता है, लेकिन अगर आप चाहें कि उसमें चीनी के कणों को कहीं देखें तो चीनी के कण उसमें दिखाई नहीं देते हैं। तो विलयन में उपस्थित विलेय के जो कण होते हैं, विलेय के कणों का आकार बहुत ही छोटा होता है, यानी विलयन में विलेय के कण दिखाई नहीं देते हैं। तो विलयन का जो सबसे अच्छा उदाहरण है वो ये है कि अगर पानी में चीनी घोल दिया जाए, तो चीनी घोलने के बाद जिसको हम शरबत कहते हैं वह विलयन का एक उदाहरण है। लेकिन एक बात मैं और बता दूं कि अगर उसमें थोड़ी सी नमक की मात्रा मिला दिया जाए ना, तो वो ग्लूकोज बन जाता है, और ग्लूकोज बनने के बाद उसका सेवन करते हैं तो आपके शरीर में पर्याप्त मात्रा में साल्ट होता है, साल्ट आ जाता है, जिससे अगर आपको कमजोरी हुई है तो वो कमजोरी धीरे धीरे दूर हो जाती है। अब इसके बाद अगला हम उदाहरण देखें तो देखें, आयोडीन होता है, आयोडीन आई, आयोडीन का प्रतीक आई होता है, और इसके बाद एल्कोहल होता है C2H5OH,
इसको एथिल एल्कोहल कहा जाता है। वास्तव में आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस एथिल एल्कोहल को ही शराब कहा जाता है, यही है। और सच्चाई ये है कि अगर इसकी नियमित मात्रा से और नियमित रूप से सेवन किया जाए तो ये नुकसान नहीं करता है, लेकिन अति सर्वत्र वर्जित, जब किसी भी चीज़ का आप अधिक मात्रा में सेवन करेंगे तो वो आपको नुकसान करेगा, तो इसलिए ये नुकसान करने लगता है। वजह ये होता है कि एथिल एल्कोहल जो होता है, ये एथिल एल्कोहल है, एथिल एल्कोहल बहुत अधिक मात्रा में या बहुत पावरफुल यह पाचक पदार्थ होता है, यह भोजन को पचाता है बड़ी तेजी से। तो अब अगर व्यक्ति कम खाया हुआ है तो यह भोजन को न पचा करके धीरे धीरे यह आंत को ही पचाना शुरू कर देता है, लीवर को ही पचाना शुरू कर देता है, तो बाद में पता चलता है कि आंत में छेद हो गया, लीवर में छेद हो गया, पेट में दर्द होने लगता है, और धीरे धीरे अगर व्यक्ति उसका इलाज नहीं कराता है तो आदमी मर जाता है। तो एथिल एल्कोहल का सेवन यानी शराब के सेवन करने से यही नुकसान होता है। अब इसके बाद जरा ध्यानपूर्वक देखें, एथिल एल्कोहल एक बहुत अच्छा विलायक है, अगर इसमें मैक्सिमम चीज़ें जो होती हैं बड़ी आसानी से घुल जाती हैं। तो जब एथिल एल्कोहल में, अच्छा ये देखिए, एथिल एल्कोहल ये नुकसान नहीं करता है, लेकिन इसका जो पहला उत्पाद होता है ये मेथिल एल्कोहल होता है, CH3OH कहते हैं मेथिल एल्कोहल, ये बहुत जहरीला होता है। आप सुने होंगे कि कच्ची शराब पीने से फला जगह इतने लोग मर गए, तो उसका कारण यही होता है कि उसमें मेथिल एल्कोहल मिला दिया गया होता है, और मेथिल एल्कोहल बहुत जहरीला होता है। जब कोई व्यक्ति थोड़ा सा सेवन करता है ना तो वो अंधा हो जाता है, और अगर थोड़ी सी अधिक मात्रा में सेवन कर ले मेथिल एल्कोहल का तो फिर वो पागल हो जाता है, हमेशा के लिए पागल हो जाता है, और अगर थोड़ी सी अधिक मात्रा में इसका सेवन कर ले तो व्यक्ति गिर के मर जाता है तुरंत। तो ये बहुत हानिकारक होता है, इसीलिए इसको कच्ची शराब कहा जाता है। तो एथिल एल्कोहल में जब हम आयोडीन को घोल देते हैं ना, तो अब इसको एक अलग नाम दिया जाता है, टिंक्चर आयोडीन, इसको टिंक्चर आयोडीन कहते हैं। यह भी एक प्रकार का विलयन है। तो ये कैसा विलयन है? तो इस विलयन में एथिल एल्कोहल जो था यह विलायक था, और आयोडीन जो था विलेय था, यानी विलायक में विलेय यानी एथिल एल्कोहल में आयोडीन को घोल दिया जाता है। एक चीज आप बता दें, आपको बता दें कि कभी कभार देखते हैं जब एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट के बाद शरीर का अंग टूटता नहीं है, कटता नहीं है, कभी कभी पूरी चमड़ी छिल जाती है। तो चमड़ी छिलने के बाद अगर टूट जाता है, कहीं कट गया बहुत ज़्यादा, तो कम दर्द होता है, लेकिन अगर चमड़ी छिल जाए, जैसे मान लीजिए आदमी गाड़ी में फंस करके कुछ दूर तक चला गया, सड़क पे जो है रगड़ा गया, या कभी कभी ऐसा एक्सीडेंट होता है बाइक वगैरह का कि आदमी कुछ दूर तक घिसट के सड़क पर चला जाता है, तो उससे होता यह है कि पूरी चमड़ी छिल जाती है, और जब चमड़ी छिल जाती है ना तो बहुत असह्य दर्द होता है, बहुत असह्य दर्द होता है, बर्दाश्त नहीं होता है। तो उस स्थिति में ये जो टिंचर आयोडीन है ना, अगर टिंचर आयोडीन की थोड़ी सी मात्रा रुई में ले करके और जहाँ छिला हुआ है थोड़ा सा लगा दिया जाए, तो 2 सेकंड के अंदर पूरा का पूरा दर्द जो होता है रफू चक्कर हो जाता है, दर्द होता ही नहीं है बिल्कुल। ये इतनी अच्छी चीज़ है टिंचर आयोडीन। तो ये भी एक प्रकार का विलयन होता है। अब इसके बाद हम आपको ये भी बता दें कि आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो जितने भी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, ये कोल्ड ड्रिंक सबसे बड़े हानिकारक होते हैं, बहुत हानिकारक होते हैं। पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि नॉर्मल टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की चीज़ कोई चीज़ आपको खानी ही नहीं चाहिए।
कोई भी ठंडी चीज नहीं खानी चाहिए, अगर ठंडी चीज आप खाएंगे तो ठंडी चीज आपको पचेगी ही नहीं, वो जल्दी पचती नहीं है, और जो चीज नहीं पचती है, देखिए अगर आप कुछ भी खाए हो अगर वो पच गया तो वह आपके लिए लाभदायक होता है, और अगर कोई भी चीज खाए और वो न पचे तो वही चीज आपके लिए हानिकारक हो जाता है। तो अब जितनी भी ठंडी चीज़ें होती हैं, इसीलिए आपको सलाह दिया जाता है कि ठंडा भोजन नहीं करना चाहिए, भोजन बनने के लगभग आधे से एक घंटे के बीच में भोजन कर लेना चाहिए। बहुत लोग करते क्या है कि रात में घर की माताएं बहनें होती हैं, भोजन बना के रख देती हैं और छोटे छोटे बच्चों को भोर में ही भूख लग जाता है, वो खाना शुरू कर देते हैं, तो इससे नुकसान ये होता है कि वो भोजन ठंडा होता है, तो ठंडा तो होता ही है, रात भर में उसके ऊपर कवक फंजाई वगैरह भी लग जाते हैं, तो उसको खाने के बाद वो पेट को जा करके पाचन तंत्र को डिस्टर्ब कर देता है, जिससे बच्चे बीमार हो जाते हैं, तो ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो ठंडी चीज़ें जो होती हैं जल्दी पचती नहीं है। एक चीज़ और हम आपको बताते हैं कि सामान्य तरीके से अगर आप चीनी खाएँ, सामान्य तरीके से अगर आप मिठाई खाएं, तो मिठाई खाने से, हालांकि चीनी आपको खाना नहीं चाहिए, चीनी बहुत हानिकारक होता है, चीनी की जगह पे आपको गुड़ का सेवन करना चाहिए, गुड़ आपको नुकसान ही नहीं करता है, गुड़ कितना भी खा लेंगे तो नहीं नुकसान करेगा, लेकिन चीनी आपके लिए जहर होता है, वो स्लो पॉइजन कहलाता है, स्वीट पॉइजन कहलाता है। तो अब तो वो चीनी, अगर मान लीजिए मिठाई चीनी में बनी हुई है, अगर उसको आप खाते हैं तो आपके शरीर को जितनी चीनी की ज़रूरत होती है शरीर उतना चीनी ले लेता है, और शेष जो चीनी होता है उसको या तो पसीने के रूप में या पेशाब के रूप में आपके शरीर से बाहर निकाल देता है। तो इससे होता ये है कि आपके शरीर को किसी प्रकार का कुछ नुकसान नहीं पहुंचता है। लेकिन जब आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो कोल्ड ड्रिंक, एक तो सबसे पहले कि उसका टेम्परेचर लो है, तो लो टेम्परेचर होने के वजह से वो आपको नुकसान करता है। दूसरा उसमें हानिकारक पदार्थ क्या है, तो उसमें पची पचाई चीनी डाली गई होती है, वो ऐसी चीनी होती है जिसको अब पचने की जरूरत नहीं, वो अपने आप ऑलरेडी पची होती है। जब कोल्ड ड्रिंक आप पीते हैं ना, तो अब वह कोल्ड ड्रिंक पेट में जा कर के पचता नहीं है, वो सीधे ब्लड में मिल जाता है, और सीधे ब्लड में मिलने के बाद ब्लड के अंदर शुगर की मात्रा बढ़ा देता है, जिससे अगर लगातार कुछ दिनों तक आप कोल्ड ड्रिंक का सेवन करें तो आपको शुगर कन्फर्म है कि शुगर आपको हो जाएगा, इसलिए आपको बच के रहना चाहिए। तो ये तो कोल्ड ड्रिंक का दो नुकसान बताए, अब तीसरा जो सबसे बड़ा नुकसान है मैं आपको बताने जा रहा हूं अब, तो कोल्ड ड्रिंक में होता क्या है कि उसमें विलायक के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और ऑक्सीजन लेने के बाद अपने शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालते हैं। हम लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड गैस की ज़रूरत नहीं होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। लेकिन कोल्ड ड्रिंक में होता क्या है कि कोल्ड ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड ही विलायक होता है और इसके अंदर सोडा डाला गया होता है, तो सोडा तो नुकसान नहीं करता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड में सोडा मिलाया गया होता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड जब पीते हैं, भाई सीधी सी बात है, हमने आपको बताया कि हमको कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत नहीं होती है, हमें तो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, हम अपने शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमेशा निकालते रहते हैं। तो अब अगर हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो कोल्ड ड्रिंक पीने से हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड जाता है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड आता है तो देखते हैं कि कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद कितना लंबा ढकार आता हो करता है, आदमी लंबा ढकार आता है, तो लंबा ढकार आने के बाद अब आदमी को लगता है कि हमें बहुत आराम हो गया, जबकि जानते हैं क्या होता है, जो आप कोल्ड ड्रिंक पिए रहते हैं और पीने से जो कार्बन डाइऑक्साइड आपके शरीर के अंदर गया होता है वही ढकार के रूप में बाहर निकलता है। तो इस प्रकार कोल्ड ड्रिंक जो होता है ये बहुत ही हानिकारक होता है, इसका सेवन आपको नहीं करना चाहिए। अब एक चीज और हम आपको बता दें कि वायु जो है, वायु जिसको हम कहते हैं, बल्कि सामान्यतया हम हवा कहते हैं या ऑक्सीजन कहते हैं, तो वायु भी एक प्रकार का विलयन है, और किसका विलयन है,
तो यह ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का विलयन है। इसमें ऑक्सीजन O2 जो होता है वह 21% होता है और नाइट्रोजन इसमें होता है, यह नाइट्रोजन लगभग 78% होता है और इसके अतिरिक्त कुछ मात्रा में अन्य गैसें होती हैं। तो अब आप ऐसे समझ लीजिए कि हम ऑक्सीजन का सेवन कर, ऑक्सीजन को हम सांस में लेते हैं, नाइट्रोजन को हम सांस में नहीं लेते हैं, लेकिन ये वायु जो होता है यह एक प्रकार का विलयन है। इस विलयन में विलायक जो होता है वो नाइट्रोजन होता है, विलायक नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन में ऑक्सीजन घुली होती है और हम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की हमको बहुत अधिक मात्रा में जरूरत नहीं होती। आप देखते हैं कि अगर एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, लोग आईसीयू में चले जाते हैं तो उनको ऑक्सीजन का सिलेंडर उनके ऊपर चढ़ाया जाता है, उनको ऑक्सीजन सिलेंडर से ऑक्सीजन दिया जाता है। तो सिलेंडर के अंदर लोग कहते हैं कि ऑक्सीजन का सिलेंडर है, ऑक्सीजन का सिलेंडर है, तो उसमें ऑक्सीजन बहुत कम मात्रा में रहता है, उसमें नाइट्रोजन बहुत अधिक मात्रा में रहता है। और यही नहीं, जब हम सांस लेते हैं आप देखते हैं कभी कभी सांस, कभी कभी क्या, जब आप आराम से सांस लेंगे तो आप महसूस करेंगे कि अंदर जाने के बाद हमको ठंडक महसूस होती है। जहाँ कहीं भी आप कहीं बैठे हुए हों और लंबी सांस खींचें तो अंदर जाने के बाद दिमाग में ठंडक महसूस होती है, वो ठंडक महसूस होती है इस नाइट्रोजन के वजह से। तो नाइट्रोजन, लेकिन नाइट्रोजन की विशेषता ये है कि नाइट्रोजन के होने से ये जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन खराब नहीं होता है, किसी अन्य पदार्थ से क्रिया नहीं करता। अगर यह ऑक्सीजन किसी अन्य पदार्थ से क्रिया कर जाता है तो यह ऑक्सीजन खराब हो जाता है, और ऑक्सीजन खराब हो जाता तो फिर सांस में अगर हम खराब चीज़ लेते तो हमारा स्वास्थ्य, हमारा हेल्थ जो होता वो खराब होता। तो ऑक्सीजन में नाइट्रोजन, देखिए प्रकृति कितना अच्छा कार्य करती है कि नाइट्रोजन अपने आप उसमें मिलाई रहती है ताकि ये ऑक्सीजन खराब न हो सके। इसीलिए जो ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है उस ऑक्सीजन के सिलेंडर में नाइट्रोजन ज़्यादा होती है, नाइट्रोजन 78% होती है और उसमें ऑक्सीजन जो होता है वो 21% होता है। और जब हम सांस लेते हैं तो नाइट्रोजन जाता है और जैसे ही जाता है कुछ समय के बाद वो नाइट्रोजन हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। हमको केवल ऑक्सीजन की जरूरत होती है और वह ऑक्सीजन केवल हमारे शरीर में रह जाता है। तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लेने से यानी सांस लेने से ही भोजन के पाचन की क्रिया भी होती है। बायोलॉजी में आप लोग पढ़ेंगे कि जब हम श्वसन करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं तो भोजन पचता है, अगर हम श्वसन न करें तो भोजन नहीं पचेगा। कभी कभी देखते हैं कि किसी की हत्या कर दी जाती है, किसी का सुसाइड हो, कोई सुसाइड कर देता है, तो अब उस पर अनुसंधान किया जाता है और अनुसंधान से पता लगाया जाता है कि इस व्यक्ति की हत्या कब की गई है या यह व्यक्ति कब सुसाइड किया है। तो अब नॉर्मली लोग 10-11 बजे भोजन करते हैं। अब अगर मान लीजिए पोस्टमार्टम हुआ, अब पोस्टमार्टम में जैसे व्यक्ति अनाज खाया है अगर पेट में वैसे ही अनाज पड़ा हुआ है तो लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इसका मतलब भोजन करने के एक आध घंटे बाद इसने आत्महत्या किया या इसको मारा गया, तो इससे पता चल जाता है। और अगर भोजन पच गया है तो जब तक आदमी सांस लेगा तब तक भोजन पचेगा, अगर सांस लेना बंद कर देंगे तो भोजन पचना बंद हो जाएगा। इसी तरह से आप देखते हैं कभी कभी व्यक्ति बहुत ज़्यादा लोड ले लेते हैं तो सांस लेने में उनको दिक्कत होने लगती है। तो जब सांस लेने में दिक्कत होने लगती है इसका मतलब कि भोजन पच ही नहीं रहा है, तो अब या तो खुली हवा में जा करके वो हाथ पैर फैला करके उलट जाते हैं, तो अगर उनको बेनिफिट मिलना होता है तो मिलता है, और नहीं तो उनको ले जा करके हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है और बाहर से ऑक्सीजन दिया जाता है कि जो आप लिए हैं लोड उसको धीरे 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 हल्का किया जाए। तो ये जो है ये विलयन के कुछ उदाहरण थे। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग विलयन के गुण देखेंगे। फिलहाल हमें उम्मीद है कि आज जितने
जितनी भी बातें आपको बताई गई हैं ये सारी बातें आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पे महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए और रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। इस वीडियो को, आज के वीडियो को आप मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आपके डेली लाइफ के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसलिए इसको मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर कीजिएगा ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस इम्पॉर्टेंट टर्म को अच्छी तरह से समझ सकें। और आप बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा तथा बेल आइकन को ऑल पे कर दीजिएगा ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।